आज मैं YouTube चला ही रहा था तभी मेरे सामने कॉम्बैक गुरुजी का वीडियो आता और गाइस वो वीडियो था प्रो जोकर वाईटी के ऊपर जो अपने आप को PUBG Lite का सबसे बड़ा एक्सपोजर बोलता है। हालांकि ये बात अलग है, वो PUBG Lite का सबसे बड़ा स्कैमर भी है। कुल मिलाजुला के आज की वीडियो में बात करने वाले कॉम्बैक गुरुजी के बारे में, प्रो जोकर वाईटी को इग्नोर करते हैं। अब देखो गाइस इस वीडियो में प्रो जोकर वाईटी को ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे शुगर वाले बंदे चाय में चीनी को इग्नोर करते हैं। कॉम्बैक गुरुजी, आपने इस बंदे का नाम जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो टेक्निकल गुरुजी का नाम सुना ही होगा। कॉम्बैक गुरुजी और टेक्निकल गुरुजी दोनों नाम सेम सेम सा लग रहा है ना। हाँ, कॉपी पेस्ट मार दिया है कॉम्बैक गुरुजी ने टेक्निकल गुरुजी के नाम। एंड गाइस मैंने कॉम्बैक गुरुजी का वीडियो देखा जो प्रो जोकर वाईटी पर वो वीडियो बनाया था, मुझे देखकर ऐसा लगा उठा ले मेरे को नहीं बल्कि कॉम्बैक गुरुजी को उठा ले, क्योंकि ऐसे लोग YouTube पर बोझ हैं। गाइस मैंने इसका 6 मिनट का वीडियो देखा, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे इसका वीडियो देखकर लग रहा था मैं नर्क में। अब देखो गाइस इस बंदे का 500,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। वीडियो ऐसा बनाया जैसे नए बंदे स्टार्ट करके YouTube चैनल अपना वीडियो नहीं बनाते, बिल्कुल वैसा ही वीडियो बनाया। चलो एक बार कॉम्बैक गुरुजी की वीडियो पर नजर डाल ही लेते हैं। ऐसे ना ये वाला लेदर वाला खुराक देते होंगे तो वही याद आ जा रहा है। भाई एक काम कर लो यार, पढ़ लो, क्यों 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 लेदर वाला खुराक ले रहे हो सुबह दोपहर। तो गाइस आप लोग देख ही लिए वीडियो में बकचोदी हो रहा है और कुछ और गाइस क्या आप लोगों ने एक बात वीडियो में नोटिस किया, बीच बीच में साउंड इफेक्ट्स डाला गया, वो भी फनी साउंड इफेक्ट। एक साउंड इफेक्ट से कॉम्बैक गुरुजी बताना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने डायलॉग बोला है, फनी डायलॉग बोला है, इस पर हंसो, अगर नहीं हंसी आ रही तभी भी जबरदस्ती हंसो। अब देखो गाइस ये लोग ये यूट्यूबर है जो क्लिक बेट थंबनेल बना के और फेक वीडियो बना के BGMI पर लाखों व्यू ले जाते हैं। क्राफ्टर BGMI लाइट को लॉन्च करे या ना करे, लेकिन ये यूट्यूबर रोज BGMI लाइट को लॉन्च करते अपने चैनल पर। क्राफ्टर BGMI लाइट को ग्रीन सिग्नल दे या ना दे, लेकिन ये अपने चैनल पर रोज ग्रीन सिग्नल देते हैं BGMI लाइट, और ये सब देखकर कोई एक्सपोजर उनके ऊपर वीडियो बना देता है तो उनकी फट जाती है। अब देखो गाइस PUBG लाइट जो खेलता है, PUBG लाइट इमोशनली कनेक्ट और यही इमोशन का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है तीन यूट्यूबर है, गेमिंग दुनिया, कॉम्बैक गुरुजी, एक मिस्टर भाव। और आप लोग को मालूम है PUBG लाइट में बहुत दिनों से अपडेट नहीं आ रहा, अपडेट आना बंद हो गया, और जो यूट्यूबर अपडेट के ऊपर वीडियो बना रहे थे उनका धंधा पानी बंद हो गया। देखो गाइस यही यूट्यूबर अपना धंधा पानी चलाने के लिए रोज अपने चैनल पर BGMI लाइट को लॉन्च करने लगे। एंड गाइस आप लोगों को पता है ये BGMI लाइट के रिलीज का किसी को नहीं पता है, लेकिन इन लोग थंबनेल में क्या चिपकाते हैं, BGMI रिलीज डेट। अब देखो गाइस जो लोग PUBG लाइट खेलते हैं, PUBG लाइट के आने का इंतजार कर रहे हैं, PUBG लाइट से इमोशनली कनेक्ट है, ऐसा थंबनेल देखेंगे तो तुरंत क्लिक करेंगे, और जैसे ही थंबनेल देख के वीडियो पर क्लिक करते हैं उन लोगों यही बोलेंगे कुछ लीक से पता चला हमारे BGMI लाइट बहुत जल्दी आने वाला है। वीडियो में ऐसे ही बकचोदी करके पूरे वीडियो को खत्म कर देंगे, घंटा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा आप लोग, और आप लोग को वीडियो को लास्ट में पता चलेगा हम लोग का कट गया है, C4 छूट गया। कुछ ही दिन पहले मैं YouTube चला रहा था, मेरे सामने एक YouTube वीडियो रिकमेंड करता है जो PUBG लाइट से रिलेटेड होता है, उस वीडियो का थंबनेल देख के मेरा दिमाग हिल गया था। उस थंबनेल में दिखाया गया था पैसे BGMI लाइट से PUBG लाइट में डाटा ट्रांसफर कर, मैं वो थंबनेल देख के एक पल को सोचने लगा अभी BGMI लाइट लॉन्च भी नहीं किया था, PUBG लाइट में BGMI लाइट से डाटा ट्रांसफर कैसे हो सकता है। तब मुझे पता चला ये PUBG लाइट इसमें कुछ भी हो सकता है, वो जानते हो वीडियो किसका था, JK गेमर और इन भाई साहब के चैनल कुछ ही दिन पहले रिलेट हुआ था 25 कॉपीराइट स्ट्राइक के चलते। अब भाई साहब को और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाना है तो फेक वीडियो बनाना ही पड़ेगा ना। वैसे कमबैक नो बड़ा वही बंदा है ना जो दूसरे से गेम प्ले बनवा के अपने चैनल पर डालता था अपना वॉइस ओवर करके, क्या आप लोगों को नहीं मालूम, चलो ये भी बता देता हूँ। बात कुछ ऐसा है, कॉम्बैक गुरुजी का एक फ्रेंड था जिसका नाम था शील्ड। तो गाइस इसका कॉम्बैक गुरुजी नाम का पहले से ही चैनल था, उस घड़ी कंपटीशन नहीं था इसलिए चल गया और अच्छा खासा व्यू भी आने लगा। एंड गाइस PUBG लाइट में गेम प्ले का भी वीडियो बहुत अच्छा चल रहा था इसलिए इसने और एक चैनल बनाया जिसका नाम था कॉम्बैक एक्स। पहले तो कॉम्बैक गुरुजी ने अपना गेम प्ले बना के उस चैनल पर दो अपलोड किया, और आप लोग भी जानते हो कॉम्बैक गुरुजी कैसा खेलता है, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, बोर्ड जैसा खेलता है। जो इसका शील्ड नाम का फ्रेंड था वो PUBG लाइट को बहुत अच्छे से खेलता था और इन दोनों में फ्रेंडशिप भी काफी अच्छा था, और खाना उठना बैठना इन लोग सब चीज साथ में ही करते थे, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो वो कितने अच्छे फ्रेंड थे। कॉम्बैक गुरु ने सोचा क्यों ना इस चैनल पर गेम प्ले शील्ड से बनवाया जाए, तो कॉम्बैक गुरु जी ने शील्ड से बोला देख PUBG लाइट में गेम प्ले का चैनल बहुत ज्यादा चल रहा है इसलिए तू गेम प्ले बना के दे देना, बाकी एडिट करके वॉइस ओवर करके मैं पब्लिक कर दूंगा। तो 3-4 दिन ऐसे ही होता रहा, कॉम्बैक गुरु जी ने गेम प्ले उससे लिया, एडिट उडिट किया, वॉइस ओवर किया और यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया कॉम्बैक एक्स नाम। लेकिन अब कॉम्बैक गुरु जी ये बोलने लगा जब सब कुछ मैं ही करूंगा तो तू कैसे सीखेगा शील्ड, इसलिए सब कुछ शील्ड को दे दिया। अब शील्ड ही कट उट करता था वीडियो, कट उट करता था, अब कॉम्बैक गुरु जी वॉइस ओवर करते थे और थंबनेल डाल देते और पब्लिक कर देते थे गेम प्ले। और जब चैनल स्टार्ट किए थे इन दोनों तो ये भी डिसाइड हुआ था जो 6 मंथ तक अर्निंग होगा कॉम्बैक गुरु जी उसमें से एक पैसा भी नहीं लेगा, सब शील्ड लेगा। चैनल पर 2 महीने काम करने के बाद जब फर्स्ट स्पॉन्सरशिप आता है कॉम्बैक गुरु जी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता, उससे बोलता अब आधा आधा पैसे को करेंगे, बात हो गया खत्म। और गाइस ये भी बात उसने मान ली, जब भी उस चैनल से कॉम्बैक गुरु जी के पास पैसा आता शील्ड को जब
पैसा देने जाता तो वो अब अपना प्रॉब्लम बताता, भाई देख ले मुझे पीसी उसी लेना है, ये वो करना है, मुझे लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है। जबकि उसके दोस्त की लाइफ में उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, उसका फैमिली कंडीशन ठीक नहीं रहता। जबकि उसके घर में कोई भी जॉब करने वाला बंदा नहीं था, वही जॉब करता था, वो भी कॉमबैक गुरुजी ने छुड़वा दिया यूट्यूब के नाम लेकर। चिल्ड्रन ने अपना एक चैनल बनाया था जिसको प्रमोट कर दिया कॉमबैक एक्स नाम का जो चैनल था ना, उसमें बस एक कम्युनिटी टैब डाला था अपने चैनल से रिलेटेड। ये देख के कॉमबैक गुरुजी गुस्सा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कॉमबैक गुरुजी कैसा बंदा है, अपने फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे 200 बार बीजीएमआई को लॉन्च करे या 300 बार बीजीएमआई लाइट को लॉन्च करे। ये सब करने से उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, शायद उसका ऑडियंस भी यही देखना चाहती है। और प्रोजेक्ट वाइटी जो अपने वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट बात किया वो सभी मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक बात मुझे उसके अंदर अच्छा नहीं लगा, वो स्कैमर है और ये बात को मान भी नहीं रहा, एक बार बोल देता मैं स्कैमर बस हो गया। और कॉमबैक गुरुजी ने प्रोजेक्ट वाइटी को एक चैलेंज दिया था, बोला था अपना चैनल पर अपना कॉन्टेंट डाल तब जाके पता चलेगा औकात क्या होता है। और उस वीडियो का भी एक छोटा सा बात प्ले करके दिखा देता हूँ। बस मेरा एक चैलेंज मान ले तू ना, एक काम कर भाई, अपना कोई सा कंटेंट डाल अपने चैनल पे, उसके बाद तुझे पता चल जाएगी औकात क्या होती है। अब देखो गाइस, इन लोग का बीजीएमआई लाइट लॉन्च करे चैनल तो चलता ही नहीं है, जो खुद बीजीएमआई लाइट के रिलेटेड फेक वीडियो बनाता है वो बोला प्रोजेक्ट वाइटी को अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल। और इन्हीं लोग को देख कर जो छोटे क्रिएटर है पबजी लाइट पर जो अपडेट पर वीडियो बनाते हैं, लीक के वीडियो बनाते हैं, उन लोग बीजीएमआई को अपने चैनल पर लॉन्च कर रहे हैं। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज यार सब्सक्राइब बटन दबाओ, और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो पसंद आया ही होगा, इसीलिए लाइक बटन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।